अब हम देखेंगे नेक्स्ट सब मेनू फाइल मेनू का। आइए हम चलते हैं फाइल मेनू पे। देखिए नेक्स्ट है हमारे सामने पेज सेटअप। अब तक हमने वर्जन्स वेब पेज प्रीव्यू तक देख लिया, नेक्स्ट हम देख रहे हैं पेज सेटअप। पेज सेटअप नाम से ही पता लग रहा है, पेज मीन्स पेज और सेटअप मीन्स व्यवस्था, यानी पेज की सेटिंग करना। पेज को कितना हमने लेफ्ट साइड में छोड़ना है, कितना राइट साइड में छोड़ना है, कितना ऊपर की तरफ हाशिया हमें छोड़ना है, उस सबको हम उस सब की जो सेटिंग की जाती है उसको हम बोलते हैं पेज सेटअप। तो ये मैं इस पर क्लिक करती हूँ। देखिए आप, ये मैंने पेज सेटअप पे क्लिक करा है, ये देखिए आप, और ये हमारे सामने डायलॉग बॉक्स खुल के आया है, पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स। देख सकते हैं आप इसमें, ये हमारा पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स है। इसमें हमारे पास ये टाइटल बार है डायलॉग बॉक्स की, जिसका नाम है पेज सेटअप। और यहाँ आप देख रहे हैं टाइटल बार में वही दो कमांड बटन हमारे पास हैं, एक तो क्वेश्चन मार्क है जो हेल्प के लिए होता है, जैसे ही आप माउस को जगह पे लेके जाएंगे वो कमेंट बताता है इसके बारे में कि ये क्या है। और ये हमारा क्लोज करने के लिए होता है डायलॉग बॉक्स को कमांड बटन। नेक्स्ट हम देख रहे हैं यहाँ पे हमारे सामने चार टैब्स हैं पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स में, देख सकते हैं आप। एक फर्स्ट टैब जो है हमारी मार्जिन्स है, सेकंड टैब हमारी पेपर साइज है, और थर्ड टैब हमारी पेपर सोर्स है, और फोर्थ टैब हमारी लेआउट है। मीन्स पेज की सेटिंग के लिए हमारे पास यहाँ चार चीज़ें इन्होंने दी गई हैं कि हम चार चीज़ों को की सेटिंग कर सकते हैं यहाँ से। सबसे पहला मार्जिन्स, मार्जिन्स मीन्स होता है हाशिया। और किसी भी डायलॉग बॉक्स में मैं पहले कई बार बता चुकी हूँ कि इस तरीके से ऊपर की तरफ जो पट्टी आती है तो उसे हम टैब्स बोलते हैं। तो ये यहाँ पे हमारी ये टैब्स हैं। जब हम कोई सॉफ्टवेयर खोलते हैं तो ये मेनूज कहलाते हैं, लेकिन डायलॉग बॉक्स खोलते हैं तो ये सब टैब्स कहलाती हैं, TABS। तो यहाँ पे मार्जिन टैब मीन्स होता है हाशिया सेट करने से संबंधित। हाशिया हिंदी में बोलते हैं, मार्जिन इंग्लिश में बोलते हैं। और हाशिया आप सभी लोग जानते हैं कि कॉपी में आप लोग जब भी लिखते हैं तो ऊपर की तरफ भी थोड़ा हाशिया छोड़ते हैं, नीचे की तरफ भी छोड़ते हैं। तो ऊपर की तरफ को हम टॉप बोलते हैं, नीचे की तरफ को हम बॉटम बोलते हैं। दाईं साइड में हम जो छोड़ते हैं उसको राइट बोलते हैं, और बाईं साइड में जो हम हाशिया छोड़ते हैं उसको हम लेफ्ट बोलते हैं। तो बिल्कुल हाशिए के लिए यही सारी सेटिंग हमारे पास यहाँ पर दी गई है। आइए हम पहले मार्जिन टैब को ही यहाँ पे समझते हैं। देख सकते हैं आप, सबसे पहले आपके सामने यहाँ पे टॉप दिया हुआ है, ये मार्जिन टैब सेलेक्ट हो रही है, देख सकते हैं। और यहाँ पे टॉप दिया गया है, यानी कि टॉप में आप कितना मार्जिन छोड़ना चाहते हैं। और उसके लिए हमारे पास यहाँ पे ये स्पिन बटन्स हैं, कॉम्बो बॉक्स टाइप दिया हुआ है हमारे पास, इस टाइप का कॉम्बो है ये। इसमें दोनों तरफ एरो बने हुए हैं, इससे हम नंबर्स को कम ज़्यादा कर सकते हैं। अभी ये 1 इंच हो रहा है, आप इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। आप देखेंगे कि जैसे जैसे मैं यहाँ चेंज कर रही हूँ, ये इस तरफ ये जो प्रीव्यू है मीन्स कैसा ये दिखाई देगा प्रिंट में, कैसा निकलेगा, उससे पहले हम इसको यहाँ देख रहे हैं। तो ये हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि टॉप है, मीन्स ऊपर की तरफ से कितना छोड़ना है। ये देखिए आप, जैसे ही इसको घटा रही हूँ, नीचे वाले पे क्लिक कर रही हूँ मैं, तो ये घट रहा है, ऊपर बिल्कुल ख़त्म हो गया है। और जैसे ऊपर कर रही हूँ तो ये देखिए ऊपर की तरफ, ये देख सकते हैं आप, यानी ये ऊपर की तरफ हाशिया छोड़ने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। हम चाहें तो डायरेक्ट यहाँ पे क्लिक करके भी लिख सकते हैं, जैसे मैंने ये क्लिक किया और मैंने इसको यहाँ से हटा दिया, और मुझे जितना हाशिया छोड़ना है ऊपर की तरफ, देखिए आप इधर प्रीव्यू में ये ख़त्म हो चुका है बिल्कुल। मैं यहाँ पे जो भी डालूंगी उसके हिसाब से यहाँ चेंज आएगा। मान लीजिए मैंने यहाँ 1 इंच डाल दिया है, देखिए आप मैंने 1 डाल दिया है, तो 1 डालते ही यहाँ आप देखेंगे परिवर्तन दिखाई देगा आपको। देखिए जैसे ही मैं इस पे आऊँगी, ये देखिए आप, जब तक मैं दूसरे पे क्लिक नहीं करूँगी तब तक वहाँ परिवर्तन हमें दिखाई नहीं देगा। तो ये हमने टॉप साइड में 1 इंच छोड़ दिया है। इसी प्रकार से सेम पोजीशन ये बॉटम साइड के लिए है, देखिए आप बॉटम को भी आप यहाँ से चेंज करके देख सकते हैं, ये कम और ज़्यादा करके आप देख सकते हैं। इसी प्रकार से ये लेफ्ट साइड के लिए है और ये राइट साइड के लिए है। नेक्स्ट हम यहाँ देखते हैं, हमारे सामने ये एक नई चीज़ आ रही है, गेटर, GUTTER। यहाँ सोचने वाली बात है कि गेटर क्या होता है।
आप जानते हैं जब भी कोई किताब या कॉपी या खाली पेजेस को बाइंड किया जाता है तो बाइंडिंग के लिए काफ़ी जगह चाहिए होती है। जितनी जगह बाइंडिंग के लिए चाहिए होती है उस जगह को छोड़ने के लिए हमें यहाँ पे सेटिंग करनी होती है, और उस बाइंडिंग के लिए जगह को यहाँ पे गेटर नाम से जाना जाता है। देखिए हम इसको यहाँ सेट करके देखते हैं। देखिए आप ये देखिए मैं गेटर में जाके चेंज कर रही हूँ। देखिए आप ये बाइंड के लिए यहाँ जगह बनती चली जाएगी। देखिए आप देख सकते हैं, ये देखिए आप, आपने देखा होगा कि ये जो बाइंडिंग जब की जाती है तो जैसे रसीद बुक वगैरह बाइंड होती हैं तो ये साइड से बाइंड होती हैं, बुक्स वगैरह साइड से बाइंड होती हैं। कई बुक्स इस तरीके की भी होती हैं जो ऊपर की तरफ से बाइंड की जाती हैं। तो ये गेटर जब हम लेते हैं तो यहाँ देख सकते हैं हम नीचे की तरफ ये गेटर पोजीशन, यहाँ पे देखिए हमारे पास दो तरीके की गेटर पोजीशन दे रखी है, लेफ्ट और टॉप। ये देखिए अभी लेफ्ट है और मैं अगर टॉप करूँगी इसको तो ये ऊपर की तरफ से हमारी बाइंडिंग इस प्रकार की हो जाएगी। जैसे आप लेटर हेड वगैरह की देखते हैं ये ठीक उसी प्रकार से लेटर हेड में इस तरीके की बाइंडिंग की जाती है, और इसके लिए ये गेटर यहाँ से हम इस तरीके से सेट कर सकते हैं। तो ये हमारे दो ऑप्शन बटन है गेटर की पोजीशन के लिए, लेफ्ट मीन्स बाई साइड के लिए और टॉप मीन्स ऊपर के लिए। आप जानते हैं कि हम बाइंडिंग कभी नीचे की तरफ से नहीं करते हैं और दाई साइड से भी नहीं करते हैं, इसलिए यहाँ पे हमारे पास दो ही ऑप्शन है लेफ्ट और टॉप। नेक्स्ट आप देख सकते हैं, गेटर के बाद हमारे सामने है फ्रॉम एज, एक फ्रेम बना हुआ है और फ्रेम के अंदर हमारे पास हेडर और फुटर दिए हुए हैं। तो देख सकते हैं आप ये किस चीज के लिए है, ये है हमारे सामने फ्रेम। फ्रॉम एज मीन्स होता है किनारा, फ्रॉम मीन्स से, यानी किनारे से हेडर कितनी दूरी पे आए इसके लिए हम यहाँ से सेट करते हैं। तो जब हम यहाँ से जो भी लिखेंगे, जितना भी हम यहाँ पे डालेंगे, जब भी हेडर आपके पेज में आप डालेंगे, हेडर मीन्स होता है पेज के ऊपर की तरफ क्या लिखा जाए, तो और फुटर मीन्स होता है पेज के नीचे की तरफ, जैसे पेज नंबरिंग वगैरह प्राय पेजेस के नीचे की तरफ होती है बुक्स में, और ऊपर की तरफ अक्सर पुस्तक का नाम जो है साइड में लेफ्ट राइट साइड में चलता रहता है, तो वो सब हम हेडर फुटर में सेट कर सकते हैं। लेकिन वो हेडर फुटर पेज में कोने से कितनी दूरी पर आए इस चीज़ की सेटिंग जो है हम यहाँ से करते हैं। ये हेडर कितनी दूरी पर आए किनारे से और फुटर कितनी दूरी पर आए, इसको हम यहाँ से, वही स्पिन बटन्स हैं आप देख रहे हैं, इन्हें स्पिन बटन्स बोलते हैं, यहाँ से हम इनको चेंज कर सकते हैं। इसका प्रीव्यू यहाँ नहीं दिखाई देगा क्योंकि अभी हमने हेडर फुटर डाल भी नहीं रखे हैं। जब हम हेडर फुटर डालते हैं और फिर इसके आगे हमारे पास एक प्रिंट प्रीव्यू फैसिलिटी है, उसमें जाके देखते हैं तो ये सब चीज़ें हमें स्पष्ट दिखाई देती हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमने देखा कि ये जितनी भी सेटिंग हमने की है ये कौन से पेज पर अप्लाई हो, केवल एक पेज पर अप्लाई हो या इस पूरी फाइल के सारे पेजेस पर अप्लाई हो। हम MS Word में जानते हैं कि फाइल को डॉक्यूमेंट बोलते हैं, तो ये देखिए यहाँ पे अप्लाई टू और हमारे पास में ये एक कॉम्बो बॉक्स दिया हुआ है, यहाँ कह रखा है कि क्या पूरे डॉक्यूमेंट पे अप्लाई करना चाहते हो, होल डॉक्यूमेंट मीन्स पूरे डॉक्यूमेंट यानी हर पेज आपकी जो फाइल खुली हुई है उसका सभी पेजेस, या आप केवल सेलेक्टेड टेक्स्ट यानी अगर आपने जैसे मान लीजिए मैंने केवल यही सेलेक्ट कर रखा है तो केवल मैं इसी को इसी पर अप्लाई करना चाहती हूँ, इसी पे लागू करना चाहती हूँ इन सारी सेटिंग्स को, तो फिर केवल सेलेक्टेड टेक्स्ट वाले पेज पर ही ये चीज़ें अप्लाई होंगी। देख सकते हैं आप, तो मैं अगर होल डॉक्यूमेंट करूंगी तो मेरे जितने भी पेजेस मैं इसमें खोलूंगी नीचे की तरफ जाते जाएंगे तो सभी पेजेस पे ये सारी सेटिंग अप्लाई होगी। इसी प्रकार से नेक्स्ट आप देख रहे हैं यहाँ पे दो चेकबॉक्स जो है बने हुए हैं ये बिल्कुल डिसेबल हैं, इन्हें हम ठीक से देख भी नहीं पा रहे हैं क्योंकि ये अभी निष्क्रिय हैं। ये एक चेकबॉक्स है हमारा मिरर मार्जिन्स और दूसरा चेकबॉक्स है हमारा पेजेस पर शीट, आप देख रहे हैं ये अभी डिसेबल है। तो ये डिसेबल क्यों है इस चीज के लिए हम देखेंगे कि जैसे हमने ये गेटर पोजीशन लेफ्ट करी
तो अब देखिए मिरर मार्जिन और टू पेजेस पर शीट, ये हमारा चेकबॉक्स इनेबल हो गए, सक्रिय हो गए। आइए देखते हैं हम ये क्या करते हैं। मिरर मीन्स होता है दर्पण और मार्जिन मीन्स हाशिया। तो देखिए ये आप जब बाइंडिंग की जाती है तो आप जब पेजेस को खोलते हैं तो किस तरीके से लुकिंग आपकी दिखाई देती है, फर्स्ट सेकंड पेजेस या लेफ्ट राइट पेजेस की, उसके लिए ये इनेबल होता है और इसी के लिए काम में आता है। देखिए आप मिरर मार्जिन करते ही आप यहाँ पे प्रीव्यू देख सकते हैं, ये देखिए इस प्रकार से। तो ये हमारी लेफ्ट गेटर पोजिशन के साथ ही इनेबल होता है। देखिए जैसे ही मैं इसको टॉप कर दूंगी तो ये हमारा वापस बंद हो गया है। तो ये लेफ्ट के साथ ही हम इसको देख सकते हैं, देख सकते हैं। और यहाँ देखिए टू पेजेस पर शीट, जब मैं इसको ये मैंने इसको चेक ऑन किया और यहाँ अब देखिए आप ये डिसेबल हो गया है टू पेजेस पर शीट, जब मैंने मिरर मार्जिन को ऑन कर दिया है तो, और मैं मिरर मार्जिन को ऑफ कर देती हूँ तो ये हमारा इस प्रकार से दिखाई दे रहा है। और ये टू पेजेस पर शीट को ऑन करती हूँ तो हमारे एक पेज में, एक शीट में, एक कागज में दो पेजेस हमारे आ गए हैं, ये है टू पेजेस पर शीट। ये डिफॉल्ट है, डिफॉल्ट मीन्स होती है कंप्यूटर की स्वयं की सेटिंग। तो यदि हम हमारी सेटिंग को डिफॉल्ट बनाना चाहते हैं तो हम यहाँ से इस पे क्लिक करेंगे और क्लिक करते ही हमारे पास ये एक मैसेज बॉक्स आ रहा है, डू यू वॉन्ट टू चेंज द डिफॉल्ट सेटिंग फॉर पेज सेटअप। यानी ये कह रहा है कि कंप्यूटर ने जो स्वयं ने पहले से सेटिंग कर रखी थी, जो इसकी डिफॉल्ट सेटिंग थी, आप उसको चेंज कर रहे हो और आपने जो सेटिंग बनाई है उसको लागू करना चाहते हो तो आप यहाँ यस करेंगे। और यदि आप चाहते हैं कि नहीं नहीं पहले से जो सेट था वही रहे, हमें चेंज नहीं करना, हमने केवल देखना था, तो आप यहाँ पे नो कर सकते हैं। देखिए तो ये होती है हमारी डिफॉल्ट कमांड बटन, उस काम के लिए आता है ओके हमारे क्रियाओं को अप्लाई करने के लिए। जब तक हम ओके नहीं करेंगे तो हमने जो भी सेटिंग करी है ये अप्लाई नहीं होगी डॉक्यूमेंट पे। और कैंसिल, यदि हमें ये सब अप्लाई नहीं करना हो तो हम यहाँ से कैंसिल करेंगे। नेक्स्ट टैब हम देखते हैं पेपर साइज। देखिए आप अभी हमने मार्जिन समझा था, अब हम देखते हैं पेपर साइज। यहाँ से आप देख सकते हैं, यानी यहाँ पे हम पेपर के आकार को भी चुन सकते हैं। मार्जिन में से मैं इसको ऑफ कर देती हूँ और गेटर भी हम यहाँ पे बंद कम कर देते हैं। देखिए सॉरी, गेटर को भी हम यहाँ से बिल्कुल बंद कर देते हैं हम। ये मैंने गेटर पोजीशन को जीरो कर दिया है, ये राइट साइड में मैंने मार्जिन एक कर दिया, गेटर पोजीशन जीरो कर दिया है। देखिए अब इस स्थिति में ये मिरर मार्जिन इस प्रकार से वर्क कर रहा है और यदि इसको ऑफ करेंगे तो हमारा दूसरा इनेबल हो जाता है। देखिए आप ये देख सकते हैं, वही काम ये इस स्थिति में कर रहा है। नेक्स्ट हमारा आता है सेकंड टैब पेपर साइज, यानी नाम से पता लग रहा है पेपर के आकार के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ से हम सबसे पहले हमारे पास पेपर साइज नाम से एक कॉम्बो दिया गया है, ये देख सकते हैं आप। कॉम्बो वही होता है जिस पे हम क्लिक करें तो लिस्ट खुले, उसे हम कॉम्बो बोलते हैं। देखिए आप कॉम्बो है और इसके अंदर बहुत सारे पेपर के नाम दे रखे हैं, लेटर साइज का, लेटर पेपर, टैबलॉइड पेपर, लीगल, A3, A4, ये सब पेपर के साइजेस होती हैं, अलग अलग साइज के पेपर होते हैं। ज़्यादातर लेटर वाले पेपर का प्रयोग किया जाता है या फिर A4 साइज के पेपर का प्रयोग किया जाता है। इनकी A4 साइज वगैरह का मीन्स होता है कि जिनकी चौड़ाई और लंबाई फिक्स इतनी हो, और इनकी चौड़ाई लंबाई यदि हमें ये याद नहीं है कि ये कितने हैं तो फिर हम इनको अपने हिसाब से आकार चेंज भी कर सकते हैं। आप पैमाने से कागज को लेफ्ट और राइट साइड से पूरा नाप सकते हैं और फिर आप कस्टम साइज भी रख सकते हैं। देखिए यहाँ पे ये कस्टम साइज दिखाई दे रही है, ये हमने क्लिक किया तो देखिए यहाँ विड्थ और हाइट यहाँ इनेबल हो गए हैं, ये दो पहले नहीं थे अभी आ गए। यहाँ पे आप पेपर की जो साइज है
उसको नाप के ऊपर की तरफ चौड़ाई यहाँ लिख सकते हैं इंचेस में, और यहाँ पे ऊंचाई पेपर की नाप के यहाँ लिख सकते हैं यदि आपको पेपर की साइज पता नहीं है तो। और यदि आपको पता है तो आप प्राय A4 साइज के पेपर प्रयोग में लेते हैं, तो आप यहाँ से A4 चूज कर सकते हैं, देख सकते हैं आप। ठीक है, तो जैसे ही हम अगर कस्टम करेंगे तो हम यहाँ नीचे आके और कस्टम पे क्लिक कर सकते हैं, कस्टम साइज, और ये वेट और हाइट में हम यहाँ भी डाल सकते हैं। यदि हम यहाँ से नहीं भी लें तब भी हम, जैसे हमारा ये लेटर है और तब भी हम अगर चेंज करना चाहें तो यहाँ जैसे ही आके हम नंबर लिखने की कोशिश करेंगे तो हमारा यहाँ ऑटोमेटिकली कस्टम हो जाएगा। देखिए आप, मैं जैसे यहाँ पे कुछ चेंज करती हूँ तो आप देखेंगे कि ये मेरी ऊपर देखिए आप कस्टम साइज आ गया है ऑटोमेटिकली। तो जब भी हम विड्थ और हाइट जो इसके अंदर नहीं है और हमारे हिसाब से चेंज कर रहे हैं तो फिर ऑटोमेटिकली हमारे कॉम्बो बॉक्स में कस्टम साइज सेलेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट आप देख रहे हैं ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन माने होता है प्रस्तुतिकरण, यानी इसका किस प्रकार से प्रदर्शन हो। तो ये ओरिएंटेशन, ये हमारा फ्रेम है और फ्रेम के अंदर हमारे दो ऑप्शन बटन दे रखे हैं, इनको हम प्रीव्यू में देख सकते हैं। पोर्ट्रेट मीन्स होता है खड़ा, पोर्ट्रेट स्टाइल में, और लैंडस्केप मीन्स होता है भूमि के आकार में। तो देखिए आप ये आड़ा देख सकते हैं आप, यानी हम जब काम करेंगे तो हम पेपर तो हमें किस प्रकार का दिखाई दे, सामने हमारे खड़ा ही पेपर आए और खड़ा ही हमारा मैटर टाइप हो और फिर खड़े में ही प्रिंट निकले, और या हम चाहते हैं कि नहीं मेरे मैटर थोड़ा चौड़ाई में ज़्यादा है तो लैंडस्केप स्टाइल में कागज़ खुले और लैंडस्केप स्टाइल में ही मैं उसमें लिखूं और ऐसे ही प्रिंट निकले, तो हम इसको लैंडस्केप सेट करते हैं। तो हम यहाँ से ही आवश्यकता अनुसार पेपर को सेट कर सकते हैं। यही वापस ये जितनी भी हमने की है इन सभी सेटिंग को डिफॉल्ट बनाने के लिए हम इस पर क्लिक कर सकते हैं, और यही जो सेटिंग हमने यहाँ की है इसको वही अप्लाई करने के लिए कि हमें केवल इस सेलेक्टेड पेज पर अप्लाई करना है या पूरे डॉक्यूमेंट पर, यानी प्रत्येक पेज पेज फाइल के हमें इसको सेट करना है, इन सेटिंग्स को सेट करना है। तो हम वही कॉम्बो हमारे पास वापस आ गया अप्लाई और होल डॉक्यूमेंट वाला, तो यहाँ से हम चूज कर सकते हैं। आप देख रहे हैं कि ये सब चीज़ें सेम चल रही हैं, केवल ये कुछ परिवर्तन हमारे सामने आ रहे हैं। ये प्रीव्यू भी हमारा सेम चल रहा है, बस जो हम चेंज करते हैं वो यहाँ पे हमें दिखाई देता है, क्योंकि प्री मीन्स होता है पहले, व्यू मीन्स होता है देखना। नेक्स्ट टैब पे अब हम चलेंगे। देखिए आप, अभी हमने मार्जिन्स भी समझ लिया, पेपर साइज भी समझ लिया है। नेक्स्ट है हमारी पेपर सोर्स। पेपर सोर्स का मतलब होता है कि साधन, पेपर किस प्रकार से कंप्यूटर में, प्रिंटर में लगाया जाए, उसको बोलते हैं पेपर सोर्स। तो यहाँ देखिए ये पेपर सोर्स दिया गया है, यहाँ ये इधर की तरफ आप देख रहे हैं फर्स्ट पेज, और डिफॉल्ट ट्रे यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है, और अदर पेजेस भी लिखा हुआ आ रहा है, वहाँ पे भी डिफॉल्ट ट्रे लिखा हुआ आ रहा है। ये बाय डिफॉल्ट हो रहे हैं, हमें इसमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि हम प्रिंटर के अंदर पेपर्स को एक साथ रख देते हैं और प्रिंटर अपने आप उसमें से पेपर को ले लेता है, तो इसलिए हमें यहाँ पे कुछ सेट करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है आपका लेआउट। लेआउट मीन्स होता है कि उसका व्यू किस तरीके का दिखाई दे, उसका प्रारूप कैसा हो। लेआउट मीन्स एक तरह से प्रारूप कैसा हो, तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पे कुछ सेटिंग दे रखी है। देखिए आप कि जो हमारा पेज है उसमें सेक्शन स्टार्ट हो, यानी हमारा जो भी पेज है उसमें हम सेक्शन वाइज कोई काम करना चाहते हैं, एक पेज को 5 भागों में बांटना चाहते हैं, भाग मीन्स इंग्लिश में हम भागों को बोलते हैं सेक्शन, तो हम नए पेज पे, हर नए पेज पे नया सेक्शन बनाना चाहते हैं, या हम एक पेज पे 5 सेक्शन बनाना चाहते हैं, तो हम यहाँ पे ये सेक्शन चूज कर सकते हैं कि नए पेज पे सेक्शन हो, या देखिए आप नए कॉलम पे सेक्शन हो। कॉलम माने इस प्रकार से फील्ड जो होते हैं हमारे, खांचे बने हुए हैं, तो हम उसको बोलेंगे कॉलम। तो हम नए कॉलम पे सेक्शन बनाना चाहते हैं या कंटिन्यू रखना चाहते हैं, अपने आप नए पेज खत्म हो जाए, जहाँ पे भी पेज का मैटर खत्म हो जाए वहीं से हमारा नेक्स्ट सेशन कंटिन्यू हो जाए, सेक्शन कंटिन्यू हो जाए, या न्यू कॉलम पे या नए पेज पे, जैसा भी आपने देखा था। ये A1 पेज मीन्स होता है सम। सम मीन्स
सम संख्या, जो भी पेजेस हमारी सम संख्या वाले पेजेस हैं उन सब पे नया सेक्शन स्टार्ट हो। जैसे पेज नंबर 2 पे नया सेक्शन हो, फिर 4 पे नया सेक्शन हो, फिर 6 पे नया सेक्शन हो उसके लिए। और ये है ओड पेजेस, यानी सम संख्या वाले पेजेस पे नहीं चाहते हम, चाहते हैं कि हमारा जब भी नया भाग स्टार्ट हो वो विषम पेजेस से स्टार्ट हो, यानी वो पेजेस जिनकी संख्या विषम है वहाँ से स्टार्ट हो। तो हम ये ओड पेजेस चूज करेंगे। तो हम जैसे पहला पेज, फिर तीसरा पेज, आप जानते हैं विषम संख्याएं 1, 3, 5, 7 मीन्स जिसमें 2 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता वो सब विषम पेजेस होते हैं, तो विषम संख्याएं होती है। तो जो पेजेस विषम संख्याएं रखते हैं उन पर हम चाहते हैं कि हमेशा हमारा नया सेक्शन वहां से स्टार्ट हो, तो हम यहां से चूज करते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट हम ज़्यादातर जो है यहाँ न्यू पेज ही रहता है, और हम लोग भी यहाँ न्यू पेज का ही प्रयोग करते हैं क्योंकि हमें इसकी आवश्यकता जनरली नहीं होती, और डिपेंड करता है कार्य पर, यदि हमें आवश्यकता है तो फिर हम यहाँ से इसको सेक्शन भी चूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आप देख रहे हैं ये हेडर्स और फुटर्स। हेडर मैंने अभी कुछ देर पहले बताया था कि किसी भी पुस्तक में, किताबों में ऊपर की तरफ जो लिखे हुए होते हैं वो हेडर्स होते हैं। मैं आपको इनको दिखा सकती हूँ अभी, जैसे कि आप देख सकते हैं जैसे आप देख सकते हैं ये पेजेस के नीचे की तरफ ये जो लिखे हुए हैं ये फुटर्स होते हैं, और इसी प्रकार से पेज के ऊपर की तरफ, जैसे अभी यहाँ पे कहीं नहीं लिखा हुआ है लेकिन अगर यहाँ हर पेज पे इस तरीके से यहाँ यहाँ या यहाँ कोई चीज़ लिखी हुई होती तो वो हमारे हेडर कहलाते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास इसमें नहीं है क्योंकि हेडर फुटर हर पेज पे चलते हैं प्राय, तो यहाँ आप देख सकते हैं फुटर हमें दिखाई दे रहे हैं। देखिए ये फुटर है यहाँ पे और ये भी फुटर है, इसमें नंबरिंग डाली गई है पेज की और इसमें इनका क्लास का नेम डाला गया है। तो ये होते हैं हमारे फुटर, देख सकते हैं आप। तो ये हेडर और फुटर, हेडर जो यहाँ ऊपर की तरफ होते हैं और फुटर्स जो यहाँ होते हैं, हम जो चीज़ भी सेट करना चाहें वो हेडर फुटर में सेट कर सकते हैं। तो ये जो हेडर और फुटर है वो आप कौन कौन से पेजेस पर लेना चाहते हैं, सभी पेजेस पे लेना चाहते हैं या हर ओड और इवन पेज पे, यानी विषम और सम पेजेस पर हम हेडर और फुटर चाहते हैं, या हर फर्स्ट पेज पे हम फुटर चाहते हैं यानी प्रथम पेज पे फुटर आए, हेडर और फुटर आए, अन्य पर नहीं आए तो हम इस चेकबॉक्स को ऑन करेंगे। और यदि हम चाहते हैं कि भिन्न भिन्न ओड और इवन सभी पेजेस पर, यानी ओड मैंने विषम और इवन मैंने सम, सभी पेजेस पर हेडर फुटर आए तो हम यहाँ से ले सकते हैं, देख सकते हैं आप। चेकबॉक्स का मतलब यही होता है कि हम दोनों को भी ऑन कर सकते हैं। नेक्स्ट आप देख रहे हैं हमारे सामने एक और आ रहा है, वर्टिकल अलाइनमेंट, यानी वर्टिकल मीन्स होता है लंबवत। जो हमारा पेज है इस प्रकार से, ये हमारा टॉप में, मिडल में और ये बॉटम में, यानी ये वर्टिकली हमारा अलाइनमेंट कैसा हो उसको हम यहाँ से सेट करते हैं। देखिए वर्टिकल अलाइनमेंट, लंबवत वाला अलाइनमेंट, टॉप यानी ऊपर की तरफ, सेंटर मीन्स मध्य में, जैसे ये यहाँ से यूँ माने हम तो ये सेंटर है, मान लीजिए इस डायलॉग बॉक्स का ये टॉप है, ये सेंटर है और ये हमारा बॉटम है। तो इस प्रकार से वर्टिकली लंबवत रूप में हम इसको कैसे अलाइन करना चाहते हैं, कोई भी मैटर हम लिखना चाहते हैं केवल टॉप टॉप में आए या सेंटर में आए या जस्टिफाइड हो और या बॉटम। जस्टिफाइड मीन्स होता है कि यदि आपका पेपर बड़ा है और आपका मीटर छोटा है, वर्टिकली पूरी विंडो खाली पड़ी हुई है तो वो पूरे में फैला देगा, उसको एंटर एंटर करके ऑटोमेटिकली पूरी स्क्रीन पर वो आपके सामने जो एक हॉरिजॉन्टल वर्टिकल स्क्रीन यू दिखाई दे रही है उस पर पूरे पे आपके इसको फैला देगा, उसको हम बोलते हैं जस्टिफाइड, देख सकते हैं। और ये है बॉटम। तो ये वर्टिकल अलाइनमेंट हम यहाँ से सेट कर सकते हैं पेज के लिए। और यहाँ आप देख रहे हैं यहाँ सप्रेस एंड नॉट एक चेकबॉक्स आ रहा है जो अभी डिसेबल है,
ये काम आता है आपके पेज नंबरिंग के साथ कि जब हम पेज नंबर्स डालेंगे तो जो नंबर हैं वो एंड नोट्स वगैरह के साथ भी दिखाई दे या नहीं दिखाई दे, उसकी सेटिंग के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अभी हम थोड़ी देर बाद इनको लेंगे। इसके बाद आप देख रहे हैं हमारे सामने दो कमांड बटन बने हुए हैं, लाइन नंबर्स और बॉर्डर्स। पहले हम लाइन नंबर्स को देखते हैं। देखिए आप, ये देखिए आप लाइन नंबर, ये लाइन नंबर का डायलॉग बॉक्स हमारे सामने खुला है। और यहाँ देखिए ऐड लाइन नंबर, जैसे ही मैंने यहाँ पे चेकबॉक्स को ऑन किया तो ये सब डिसेबल जो थे हमारे इनेबल हो चुके हैं। देख सकते हैं आप, ये देखिए अभी डिसेबल है। और जैसे ही मैंने इस चेकबॉक्स को ऑन किया, एडिंग लाइन नंबर, यानी कि मुझे लाइन नंबर ऐड करने हैं, ऐड लाइन नंबर, तो ऐड मीन्स जोड़ना, लाइन के आगे नंबर्स जोड़ने हैं। तो मैंने इस चेकबॉक्स को ऑन किया और यहाँ देखिए स्टार्ट एट, यानी प्रथम लाइन पे नंबर क्या आए, एक आए, या मैं चाहती हूँ कि दो आए या चार आए, तो मैं यहाँ से सेट कर सकती हूँ। मैं हाथ से भी क्लिक करके लिख सकती हूँ, और या फिर मैं यहाँ फिर स्पिन बटन दे रखे हैं, हम यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे पाँच कर दिया है प्रथम लाइन नंबर को। तो आप देखेंगे जब हम वहाँ लिखेंगे तो पाँच नंबर से हमारी लाइन शुरू होगी। ये है हमारा फ्रॉम टेक्स्ट, यानी टेक्स्ट से ये कितनी दूरी पर हो, ये चीज़ हम यहाँ से सेट कर सकते हैं। यानी लाइन नंबर और टेक्स्ट जो हम मैटर लिख रहे हैं वो कितनी दूरी पर हो। यहाँ पे अभी ऑटो आ रहा है और आप चाहें तो इसको चेंज कर सकते हैं, जितना आप दूर रखेंगे उतनी दूरी पे नंबर्स आ जाएंगे। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ एक इंच भी कर सकती हूँ, देखिए मैंने वन कर दिया है। तो अभी जब हम लिखेंगे तो नंबरिंग जो होगी वो टेक्स्ट से एक इंच की दूरी पर होगी। काउंट बाई, यानी प्रथम लाइन पाँच है, दूसरी लाइन छः हो, सात हो, आठ हो, या प्रथम लाइन पाँच है उसके बाद तीन पंक्तियाँ छूटे, मीन्स पाँच के बाद सीधा आठ आए, आठ के बाद सीधा ग्यारह आए, तो यानी हम यहाँ पे वो गैप के लिए, डिस्टेंस के लिए नंबर दे सकते हैं कि कंटिन्यू हो तो मीन्स एक एक, या अगर मैं चाहती हूँ कि नहीं पाँच के बाद दो दो क्या गैप हो तो मैं यहाँ दो लिख सकती हूँ। नेक्स्ट आप यहाँ देख रहे हैं नंबरिंग, यहाँ पे फ्रेम है ये नंबरिंग का, और तीन टैब्स हमारे सामने देखे हैं, रीस्टार्ट ईच पेज, यानी हर पेज पे दोबारा नंबरिंग स्टार्ट हो इसी सेटिंग के साथ, या हर सेक्शन पे, यानी एक पेज में हमने बहुत सारे सेक्शन बना दिए हैं, तीन पेज एक पेज के हमने तीन पेज कर दिए हैं, तो हर सेक्शन पे नंबरिंग दोबारा स्टार्ट हो तो हम इस पे क्लिक करेंगे, और या हम कंटिन्यू की भी जैसा है अब तो कंटिन्यू चलने दो तो हम कंटिन्यू वाले पे क्लिक करेंगे। तो हमें डिफॉल्ट कंटिन्यू पे ही सेट रखना चाहिए। अब देखेंगे आप, मैं यहाँ ओके कर रही हूँ और देख रहे हैं आप अपने सारी सेटिंग्स को देख लिया है। नेक्स्ट आप देखेंगे हमारे सामने है बॉर्डर, ये जो हमारा पेज है उसके चारों तरफ बॉर्डर देने के लिए हमारे पास सुविधा है। देखिए यहाँ भी बॉर्डर एंड शेडिंग डायलॉग बॉक्स हमारे सामने खुला है, और ये बॉर्डर है आप देख रहे हैं। तो ये हमने जो मैटर लिखा है उसके चारों तरफ बॉर्डर डालने के लिए है। ये इतने प्रकार के बॉर्डर हम डाल सकते हैं, जैसा भी आप चाहें चुनेंगे। तो ये इधर की तरफ आपको इसको प्रीव्यू में आप देख सकते हैं, ये देखिए आप, ये देख सकते हैं आप, यहाँ से आप बॉर्डर के कलर वगैरह सब कुछ सेट कर सकते हैं। ये देखिए आप, ये देखिए आप यहाँ से कलर ले सकते हैं, ये बॉर्डर की लाइन की स्टाइल भी आप यहाँ से ले सकते हैं, और ये हमारे मैटर के चारों तरफ बॉर्डर बनाएगा। और ये जो टैब है ये यदि हम सेट करेंगे तो हमारे पूरे पेज के चारों तरफ बॉर्डर बनेगा। सब कुछ सेम है, केवल ये बॉर्डर मैटर के लिए है और ये पेज के चारों तरफ के लिए है। देख सकते हैं आप, ये यहाँ पे हम लाइन की स्टाइल कलर ले सकते हैं बॉर्डर की, और यहाँ से बॉर्डर की जो लाइन है उसकी चौड़ाई भी सेट कर सकते हैं हम। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये बॉर्डर में हम अलग अलग स्टाइल के बॉर्डर भी ले सकते हैं। देखिए आप, जैसे ये देखिए, ये प्रीव्यू में आप देख सकते हैं। ओके, मैं दूसरा लेती हूँ तब देखेंगे प्रीव्यू चेंज हो जाएगा। देखिए आप, यानी इस तरफ हमें प्रीव्यू दिखाई देता रहता है। और नेक्स्ट आप यहाँ देखेंगे शो टूल बार, तो ये बॉर्डर की टूल बार हमें, जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगी तो आप देखिए ये टूल बार दिखा दी इसने हमें, हमारे जो विंडो था उस पर इसने टूल बार को इनेबल कर दिया है।
हम वापस जा रहे हैं पेज सेटअप में, और यहाँ से आप वापस देखेंगे हम लेआउट में हैं। लेआउट में हमने यहाँ से बॉर्डर खोला था, तो ये बॉर्डर की पूरी सेटिंग हम यहाँ से कर सकते हैं। ये शो टूल बार हमें विंडो पे टूल बार दिखा देता है डायलॉग बॉक्स को बंद करके, और वहीं से हम इन सब काम कर सकते हैं। और यहाँ देखिए ये हॉरिजेंटल लाइन यानी क्षैतिज लाइन, इस प्रकार से जो हम सीधी इस तरह से हम लाइन डालते हैं इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल यानी क्षैतिज लाइन। तो क्षैतिज लाइन डालने के लिए हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, तो ये हमारे यहाँ देखिए इसने लाइन की बहुत सारी स्टाइल्स दी हैं, हम चूज कर सकते हैं और जैसी भी लाइन चाहें। ये देखिए मैंने क्लिक किया और मैं कोई सी भी लाइन एक लाइन दे सकती हूँ। और ये देखिए आप मेरे डॉक्यूमेंट में क्षैतिज रूप से एक लाइन खींच चुकी है। हम वापस फाइल मेनू में पेज सेटअप के अंदर चल रहे हैं, और फिर हमारे पास वही बॉर्डर में हम आ गए हैं। तो ये देखा आपने कि हमने ये बॉर्डर एंड शेडिंग की सेटिंग भी हमारे पास पेज सेटअप से भी हम कर सकते हैं, और ये इसके अलावा हम इसको फॉर्मेट डायलॉग बॉक्स के अंदर भी हमें ये मिल जाती है, ये दोनों जगह से हम इसको सेट कर सकते हैं। यहाँ देखिए हमारी तीसरी टैब है शेडिंग, तो ये शेड के लिए है, देख सकते हैं आप बॉर्डर के अंदर जो कलर भरना है हमें उसके लिए। यहाँ से देखिए फिल, हमें कैसा कलर फिल करना है यहाँ से हम कलर चूज कर सकते हैं। ये देखिए आप प्रीव्यू में इसको दिखाई दे रहा है आपको, जो भी चूज़ कर रहे हैं उसका यहाँ पे नाम ऑटोमेटिकली आ रहा है और उसके इफेक्ट यहाँ दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा ये जो कलर है इनमें हमें कोई पसंद नहीं आ रहा है तो हम यहाँ मोर कलर्स में से ले सकते हैं, कोई सा भी कलर देख सकते हैं आप, और ये हम ओके कर सकते हैं। और यहाँ पे ये पैटर्न है, मतलब स्टाइल किस तरीके की भरी हुई हो, तो देख सकते हैं आप जैसे मैंने सॉलिड लिया तो ये देखिए इस प्रकार से, और ये कलर भी यहाँ से मैं देख सकते हैं आप, ये देखिए इससे आप इसको अच्छे से देख सकते हैं। ये वही हमारे शो टूल बार और हॉरिजॉन्टल लाइन आ गया है, और यहाँ आप देख रहे हैं वही चीज़ आ गई है अप्लाई टू। यहाँ पे हमारे पास एक और नया आ गया पैराग्राफ, यानी ये पैराग्राफ पे अप्लाई करना है शेडिंग, और बाकी हमारे वही ओके और कैंसिल बटन है, हम चाहें तो इनको ओके कर देंगे तो ये सब सेटिंग हमारी अप्लाई हो जाएगी। तो ये टैब हमने देखी शेडिंग के लिए, और मैं यहाँ पे ओके कर रही हूँ। देखिए आप ये जो भी मैं लिखूँगी अब इसी प्रकार से इसी में ये चलेगा, देख सकते हैं आप, ये देख सकते हैं आप। तो ये अभी हमने देखा पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स।